Hello students, welcome back. We are towards next topic, children, for our discussion. It's called as the theory of multiplier. Children, the last topic that we analyzed was consumption function. Now we are skipping one topic from between. Now, children, almost like 17 different chapters to be studied. So you'll always have a question like, sir, do we really need to study all the chapters from an exam point of view? So the answer is in front of you. You can skip some of the topics. So children, slowly as we move towards our exam dates and all, I'll let you know like which topics are important, which you need to study, or for exam ke liye kaise prepare karna hai. So important question, children, rest assured I will provide them to you. Don't worry about importance, okay? हाँ, बट इम्पोर्टेंस मिलने के बाद भी वो चलो पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इम्पोर्टेंस मिल गया और आप पास हो गए करके. तो चलो आज का अपना टॉपिक है डिस्कशन के लिए थियोरी ऑफ मल्टीप्लायर. नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, लेट मी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट टू यू फर्स्ट. ये कॉन्सेप्ट होता क्या है मल्टीप्लायर का? तो चिल्ड्रन, द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वॉज Dr. R. F. Khan in 1931. मतलब it was the concept of multiplier. अच्छा, सवाल ये आता है कि लाइक इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्यों डेवलप किया था. तो डेवलप करने के पीछे का रीजन जो था, ही डेवलप्ड इट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट. मतलब चलो जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है तो उसका सीधा इंपैक्ट जाता है बच्चों लोग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. तो कितना इफेक्ट होता है बच्चों लोग, मतलब अगर हम लोग 1,00,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दे गवर्नमेंट, तो फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, वो स्टडी करने के लिए आर एफ खान ने 1931 में बच्चों लोग मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था. और तभी इसको अलग नाम से जाना जाता था, इट वॉज नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. क्या बोलते थे इसको? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. अच्छा, इन द इयर्स टू कम चिल्ड्रन, केन्स और जॉन माइनर केन्स, ही हैज रिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इन टर्म्स ऑफ इनकम. मतलब चलो तभी आर एफ खान ने क्या किया था कि इन्वेस्टमेंट का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट होता है वो मेजर करने की कोशिश की थी ना. तो यहां पे केन्स ने क्या किया बच्चों लोग, द मल्टीप्लायर शोज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम. मतलब क्या बच्चों लोग, कि गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो उसका हमारे नेशनल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को बच्चों लोग मल्टीप्लायर करके बोला जाता है. सो इट्स द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम. तो केन्स के मल्टीप्लायर को नाम भी अलग दिया गया है. फिर वहां पे बच्चों लोग अगर उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर करके बोलते थे, तो यहां पे इसको इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर करके जाना जाता है. क्या बोलने का? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इनकम मल्टीप्लायर. कि यहां पे बेसिक आइडियोलॉजी क्या है बच्चों लोग मल्टीप्लायर का? द एसेंस ऑफ द मल्टीप्लायर इज दैट द टोटल और अल्टीमेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इनकम और एम्प्लॉयमेंट इज मैनिफोल्ड ऑफ एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. बच्चों लोग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि देखो, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट बच्चों लोग किसके ऊपर जाता है? ऑब्वियसली चिल्ड्रन, इट विल बी गोइंग ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. लेकिन जो इफेक्ट होता है ना, इट विल बी मैनिफोल्ड. मैनीफोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? मल्टीपल टाइम्स. कि गवर्नमेंट ने अगर 1,00,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो बच्चों लोग नेशनल इनकम सिर्फ 1,00,000 करोड़ से नहीं बढ़ेगा, 2,00,000 करोड़ से बढ़ेगा, 4,00,000 करोड़ से बढ़ेगा, 6,00,000 करोड़ से बढ़ सकता है बच्चों लोग. और एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स और मैनीफोल्ड टाइम्स चिल्ड्रन. सो अभी आप इसको, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो अपने दिमाग में पहले इसका मीनिंग फिक्स करके रखना कि एक साइड से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, दूसरे साइड से बच्चों लोग इनकम बढ़ेगा लोगों का. तो जो इनकम बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल्स में बढ़ता है. जैसे कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए और नेशनल इनकम बच्चों लोग 200 करोड़ से बढ़ गया,
तो हम लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स. सो चिल्ड्रन दैट्स द बेसिक एसेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, दैट द इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज मल्टीपल टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अच्छा, तो अगर इसके फॉर्मूला की वगैरह बात करें हम लोग यहाँ पे, तो द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ फाइनल चेंज इन इनकम ड्यू टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट. मतलब आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट को बदला तो उसकी वजह से फाइनली इनकम कितने से बदल गया. चिल्ड्रन दैट इज वॉट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो अरिथमेटिक अगर रिलेशनशिप अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसका एक फॉर्मूला आता है बच्चों लोग. द फॉर्मूला रीड्स लाइक दिस. के के का मतलब क्या है बच्चों लोग यहाँ पे, मल्टीप्लायर. डेल्टा वाई का मतलब होता है इंक्रीज इन इनकम, और डेल्टा आई का मतलब होता है बच्चों लोग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. सो तीनों को लेके ये फॉर्मूला तैयार होता है बच्चों लोग. के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और अदर वर्ड्स यू कैन एक्चुअली रीड इट लाइक दिस. मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट बदलने की वजह से इनकम कितने टाइम्स बढ़ गया है उसको हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लायर. सो जैसे कि सबका मीनिंग बताया, के का मतलब क्या होगा बच्चों लोग, मल्टीप्लायर. डेल्टा वाई इज वॉट, इंक्रीज इन इनकम. एंड डेल्टा आई इज वॉट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो एक सिंपल सा अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आपको फटक से समझ में आएगा. इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 100 रुपीज, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाया है, 100 से. एंड ड्यू टू दैट कुछ लोग इकोनॉमी का इनकम जो है ना वो 400 से इंक्रीज हो गया. तो गवर्नमेंट ने तो 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, जबकि इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कितने से बढ़ गया, 400. तो हम लोग बोलते हैं कि आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 4 से मल्टीप्लाई होके 100 का 400 हो गया ना. सो दिस शोज दैट इनकम इंक्रीजेस नॉट ओनली बाय द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बट द मल्टीपल्स ऑफ इट. मतलब चलो इनकम सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ही नहीं बढ़ेगा जबकि उसके मल्टीपल्स में बढ़ेगा. सो मल्टीप्लायर चिल्ड्रन इज नथिंग बट द नंबर by which the change in investment must be multiplied in order to determine the resulting change in total income. So multiplier ka matlab hota hai chalo wo number jisko hum log multiply karenge original investment se taki hum log ko pata chalega ki total income kitne se badh gaya. So here children the multiplier is determined by the marginal propensity to consume or marginal propensity to consume और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में जो रिलेशनशिप आता है इस फॉर्मूला से दिखेगा आपको. के इज इक्वल टू 1/1 - MPC. क्या बोला, देखो के इज इक्वल टू 1/1 - MPC. अभी आपको लगेगा सर व्हाट इज एमपीसी, तो कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बोला बच्चे लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यू रिमेंबर दिस वर्ड्स, हर एक व्यक्ति का एक इनकम होता है, फिर इनकम इज डिवाइडेड इन टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स. अच्छा, दैट पार्ट ऑफ योर इनकम विच इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देन व्हाट इज एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब सेविंग्स अपॉन इनकम. वैसे भी चलो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. सो एमपीसी मीन्स बच्चों लोग डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. सो हियर चिल्ड्रन 1/1 - MPC. It means like there is some direct relationship between MPC and multiplier. MPC का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, कि आपके इनकम में बढ़ोतरी आने की वजह से आपका खर्चा कितने से बढ़ता है उसको हम लोग MPC बुलाते हैं ना. तो आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर रहेगा बच्चों लोग, और जितना आप कम पैसा खर्च करोगे उतना कम मल्टीप्लायर रहेगा. Shows that the multiplier is equal to the reciprocal of 1 - MPC. So, in other words, the multiplier is the reciprocal of the marginal propensity to save, which always equals to 1 - MPC. तो बच्चों और एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे. 1 - MPC बच्चों क्या होता है, MPC + MPS इज इक्वल टू 1 ना. सो 1 - MPC करोगे आप तो आपके पास क्या बचता है, MPS. सो यू गॉट वन मोर फॉर्मूला चिल्ड्रन, दैट इज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS.
यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की बात करें हम लोग. फॉर एग्जाम्पल इफ द एम पी सी इज 9/10 देन एम पी सी एम पी एस विल बी हाउ मच 1/10 और मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आता है 10 आता. आप बोले सर कैसे 10 आया. तो चिल्ड्रन हियर ऑलमोस्ट लाइक यू कैन इफ यू जस्ट वॉन्ट टू सॉल्व सम सम लाइक दिस यू कैन टेक इट लाइक दिस 1/ एम पी एस का वैल्यू कितना है बच्चों 1/10 सो 1/10 तो इस डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10/1 तो आंसर फाइनली आता 10. तो 10 का मतलब क्या होगा बच्चों कि मल्टीप्लायर का वैल्यू 10 आता है. अच्छा अगर एम पी सी 4/5 है बच्चों तो क्या बोले यहां पे इफ एम पी सी इज 4/5 देन एम पी एस विल बी 1/5 ओके और यहां पे मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आएगा 5. अब बोले सो कैसे यू कैन टेक इट लाइक दिस चिल्ड्रन 1/5 तो बच्चों लोग 1 × 5/1 होता है सो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन दैट शुड बी द मल्टीप्लायर का वैल्यू. मतलब आपने एक बात नोटिस की है कि जब हम लोग एम पी सी 9/10 ले रहे हैं तो मल्टीप्लायर कितना आता है 10. मतलब अगर आप अपने इनकम का 90% पैसा खर्च करोगे तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आएगा 10. लेकिन वहीं पे बच्चों अगर आप अपने इनकम का 4/5 कितना 4/5 हिस्सा खर्च करोगे तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आएगा 5. मतलब बच्चों लोग द मोर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड इन द मार्केट चिल्ड्रन मल्टीप्लायर का वैल्यू विल बी मोर. अच्छा लेकिन अगर आप अपना खर्चा कम करोगे तो आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या आएगा कम आएगा. तो आई वॉन्ट टू से लाइक दिस चिल्ड्रन कि आपके खर्चे के साथ में मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा लेकिन सेविंग्स के साथ में मल्टीप्लायर क्या होगा कम होगा. इफ यू सेव मोर मनी देन ऑटोमेटिकली योर मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी लेस. सो द साइज ऑफ द मल्टीप्लायर वैरीज डायरेक्टली विद द साइज ऑफ एम पी सी. डायरेक्टली मतलब चलो क्या कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा लेस होगा. हाँ लेकिन एक बात है बच्चों लोग मल्टीप्लायर का वैल्यू कैन नेवर बी 1 बिकॉज एम पी सी इज नेवर 0 बट इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. अच्छा मल्टीप्लायर का भी बच्चों इनफाइनाइट भी नहीं होता है क्योंकि एम पी सी का भी 1 नहीं होता है इट्स ऑलवेज लेस देन 1. So in other words, the marginal propensity to consume is greater than 0 but less than 1. 0 or 1 ke beech mein aata. So multiplier will always be greater than 1 but less than infinity. So since we can say like this, marginal propensity to consume is greater than 0 but less than 1. So multiplier will always be greater than 1 but less than infinite. Infinite nahi aata bachlo multiplier. Okay, kuch formulas hai bachlo. जब भी हम लोग मिलेंगे तो कुछ मैं आपको सम्स भी सॉल्व करा के दिखाऊंगा. यो आई हैव गॉट सम लिमिटेशंस आई कैन नॉट शो यू सम कैलकुलेशंस हियर बट वंस वी मीट चिल्ड्रन आई लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स. ओके नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू चिल्ड्रन हाउ द मल्टीप्लायर एक्चुअली वर्क्स. सो वी कॉल इट लाइक वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम कैसे बताया जाता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट कि मल्टीप्लायर विल एक्सप्लेन द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम एंड इट इफेक्ट्स ऑन कंजम्पशन. बच्चों लोग ये जो मैकेनिज्म होता है ना जिसके जरिए इनकम मल्टीप्लाई होते जाता है बच्चों लोग इस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे अज्यूम करें कि आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 4/5 है. 4/5 मतलब कितना बच्चों लोग 4/5 करके भी बोल सकते हैं उसको हम लोग. अच्छा एंड देयर फॉर चिल्ड्रन मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आता है 5 आएगा. ये तो हमने ऑलरेडी देखा था. सो 1000 rupees का अगर इन्वेस्टमेंट है बच्चों लोग तो टोटल इनकम इज गोइंग टू राइज बाय हाउ मच 5000. मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इट बिकम्स 5000. सो ये जो प्रोसेस आता है बच्चों लोग इनकम जनरेशन का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से इस टेबल से समझ सकते हो आप लोग. पहले टेबल में क्या दिया बच्चों यहाँ पे ओरिजिनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अच्छा फिर इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इनकम. इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन बढ़ेगा ठीक है और फिर आप उसमें से थोड़ा पैसा सेव करते हो. अगर आपके डैडी ने आपको 1000 rupees दिए बच्चों लोग
तो आपका इनकम कितने से बढ़ा? 1000 से. अच्छा, जैसे 1000 से बढ़ता है, अभी आपका एक टेंडेंसी है कि आप उसका 4/5 मतलब कितना 80% खर्च करोगे, तो कितना खर्च होगा? 800. अब बचा के कितना रखोगे? 200. आपने 800 जो खर्च किया, आपने जाके कहीं पे एक बर्थडे के लिए शर्ट परचेज किया, वो जो शॉप ओनर है बच्चों, शॉप ओनर, उसका इनकम कितने से बढ़ेगा? आपका खर्चा मतलब उसका इनकम हो गया ऑब्वियसली, सो उसका इनकम 800 से बढ़ता है. अब शॉप ओनर क्या करता है, उसका 4/5 खर्च करेगा, मतलब 80% ना, सो 640 rupees ये स्पेंट, तो उसका कंजम्पशन हो गया. अच्छा, उसने क्या किया, आपने सप्लायर को 640 rupees दे दिए बच्चों, तो सप्लायर का इनकम कितने से बढ़ गया? 640. अभी वो सप्लायर क्या करता है, उसका 80% खर्च करेगा, यानी कितना? 512 rupees. जैसे 512 rupees खर्च करेगा तो किसी और का इनकम कितने से बढ़ेगा? 512 से. अभी वो 512 का 80% यानी कितना? 409 rupees खर्च होता है. 409 rupees अगर किसने खर्च किया है तो 409 rupees बच्चों किसी का इनकम बनेगा. फिर उसका 80% हम लोग खर्च करेंगे, कितना? 327. अच्छा, आपने खर्च कर दिया और किसी का इनकम बनेगा, वो उसमें से 80% खर्च करेगा. एंड दिस विल कंटिन्यू चिल्ड्रन जब तक इसका बैलेंस नील हो जाए. हाँ, लेकिन डायरेक्टली इसका आंसर आपको मिल सकता है कि ओरिजिनली बच्चों इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाया गया है? 1000 rupees से. लेकिन जो रिजल्टेंट इनकम बढ़ा है ना आपका, वो कितने से बढ़ा है? 5000. सो इनिशियल 1000 rupees मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इंक्रीज इन इनकम बिकम्स हाउ मच? 5000 rupees. कंजम्पशन कितने से बढ़ गया बच्चों? 4000 से. सेविंग्स कितने से बढ़ चुके हैं? 1000 rupees.